नमस्कार, इंडिया 36 लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस समय रात के 11 बज चुके हैं और हम टिकरी बॉर्डर पर किसानों के हालात जानने के लिए पहुंचे हैं। सीधे हम उन किसानों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज पकौड़ा चौक पर एक किसानों की एक सभा हुई थी, उस सभा से हम आज तक जो किसान वहाँ पर गए थे उनसे बात करेंगे। आखिर सभा में क्या निर्णय लिया गया? सभा में तो रहा में गया है कि ये आंदोलन जहाँ पर हम जो अब तक कर चुके हैं वो आराम से किया है, इससे आगे भी हम आराम से करेंगे, कोई हल्लड़बाजी नहीं करेंगे। लेकिन जो असली आंदोलन है वो हमारा एक नए साल से ही शुरू होगा और हम पूरा वैसाखी तक बैठेंगे, 13 अप्रैल तक। इससे भी ज़्यादा बैठना पड़ेगा तो अब भी बैठेंगे, लेकिन अपने तीनों काले कानून वापस करके जाएंगे। जो मंडी बोर्ड का है जो है जो पंजाब हरियाणा में वो लागू नहीं होगा, और कहीं भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन पंजाब हरियाणा में कभी नहीं होगा। लेकिन जो अफवाह लोग फैला रहे हैं पंजाब हरियाणा की, सभी इसने बहुत सत्कार किया है, सभी सुबह दूध वगैरह सभी लेकर आ रहे हैं, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सभी दे रहे हैं। एक विशेष बात इस आंदोलन की मैं बताना चाहूँगा, भारत देश के इतिहास में किसान आंदोलन अब तक का ऐसा आंदोलन है जिसमें आम आदमी पूरा सहयोग कर रहा है, भाईचारे के साथ यह आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। इस आंदोलन में किसानों तक हर जरूरत का सामान पहुंच रहा है, चाहे वह गर्म कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हो, दूध हो या कोई अन्य सामान क्यों ना हो। आखिर किसानों के इस आंदोलन को आम आदमी का सहयोग मिल रहा है तो बता दें, धीरे धीरे किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और किसान आंदोलन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा अपितु बढ़ रहा है। और इसी आंदोलन में बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इस उम्र में इन्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन यह कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इतनी ठंड में भी यहाँ पर मौजूद है। हम एक बुजुर्ग से बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आप किसी तरह की तकलीफ है? मिलना चाहिए जो भी किसानों कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, साडा फैसला दे दे तहीं आज ही उठ जन्ने आ, जो भी कोई तकलीफ नहीं सानू, इतने जिन्नी मर्जी सर्दी कोई तकलीफ नहीं, हर चीज बहुत सब चीज वादू हरियाणे ने बहुत साथ दिता साडा, हर चीज कोई चीज की कमी नहीं गी, सिर्फ सानू एहो ही आ जिन्ना चिर काले कानून रद्द ना होए, महीना दो महीने जिन्ना चिर बहना पवे बवांगे ते शांति नाल बवांगे, जिस तरह साडे आगू सानू कहणगे उस तरह ही चलांगे, कोई इसी आंदोलन स्थल से टिकरी बॉर्डर से ही किसानों का, हरियाणा के जो लोग हैं किसान हैं उनको एक संदेश जा रहा है, ये हम नहीं ये पंजाब के किसान कह रहे हैं। चलिए हम आपसे बात करवाते हैं कि टोल प्लाजा कितने दिनों से बंद है? पंजाब में 2 महीने से टोल प्लाजा बंद है, हरियाणा वाले 2500 है, इसके भी राजस्थान में सभी में बंद होना चाहिए। हरियाणा वाला कोई किसान से नहीं लेता, लेकिन जो आम आदमी जा रहा है उनसे टोल प्लाजा पर टैक्स ले रहे हैं, टोटली बंद होना चाहिए। एक एयरलाइंस के पास कोई बात किया जाना चाहिए, जो भी बंद करना चाहिए, सभी बहन भाइयों को रिक्वेस्ट है, रिलायंस और जियो का बाईकॉट करें, सभी किसान भाई के हाथ जोड़कर बेनती है, इसको पीछे हटाएंगे तो अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब एक बात और मैं जानना चाहूँगा, हालांकि इस समय रिलायंस के जितने उत्पाद हैं, चाहे जियो मशीन हो, चाहे कोई खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे तेल हो, इसका किसान विरोध कर रहे हैं। आखिर इन सभी चीज़ों का विरोध करने से किसान आंदोलन के पक्ष में किस तरह का असर देखने को मिलेगा? इसमें ये है ना, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, अभी देखो पहले वो अडवाणी था, वो 6वें नंबर पर था, अभी 9 नंबर पर आ चुका है, उसकी आमदन है वो कम हो रही है, किसी ना किसी तरीके उसको जो हमारे से प्रॉफिट जा रहा है उसको कम करेंगे, थोड़ा बस ऐसा चलेगा। लेकिन उसके जो जो हमारे आम आदमी लोग जिसको नहीं मालूम ये काला कानून क्या है, उसको हम बता रहे हैं, वो ऐसे धीरे धीरे जुड़ रहा है, उसका बाईकॉट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इन काले कानूनों को लाने के पीछे अडानी और अंबानी को किसान दोषी मान रहे हैं, 100% सही बात है। ये सारे काले कानून मोदी ने नहीं बनाए, मोदी तो बनवाए गए इन्हें कॉर्पोरेट घराने ने पिछों, उन्हों की पावर आ सारा दिमाग उन्होंने चलन दिया, मोदी तो एक कठपुतली आ, जो भी काले कानून बनाए आ इन्होंने बनाए आ अडानी अंबानी जो तगड़े घराने, जो भी कारपोरेट घराने,
वो तीन तीन साल से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो वैसे थोड़ी चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कैसे पता चल गया, अगर मान लीजिए सीधी बात करें तो जहां तक किसानों की सोच है और किसानों ने माना भी है, अगर अडानी और अंबानी की कंपनियां फेल होने लगेंगी, उनको नुकसान होने लगेगा, तो सरकार को नुकसान होगा। ये एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि एक सरकार से निपटने के लिए प्राइवेटाइजेशन करने वाली कंपनियों से भी किसान दो दो हाथ कर रही है। इस पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सरकार फाड़ डाल रही है, बुजुर्ग आदमी जो है ठंड के लिए, ठंड के कारण पंजाब में वापस जा रहे हैं, इनकी 60 साल के ऊपर उम्र हो चुकी है। देखो हमारे साथ रात को पहरा दे रहा है, कोई शरारती आंसर इसमें कोई गड़बड़ मत करे। ये 60 साल का बुजुर्ग है, आप खुद इसको लाइव देख रह सकते हो, 11 बज चुके हैं अभी, ये ठीकरी पहरे पर जहाँ पर हमारे साथ पहरा दे रहा है, तो इसमें मैं देखो ये फवाएं झूठी है। किसान एक बात मैं आपको पर खड़े हैं, उधर जवान भी आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जरूरी बात है कि सरकार ने किसानों से अपील की थी कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाए। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, टिकरी बॉर्डर पर हमने लाइव देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चे भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। ये किसी भी तरह से वापस नहीं हटेंगे, तीनों कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। एक बात और भी इसमें बीच में आई थी, सुनने में आई थी कि पंजाब के किसान यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि एसवाईएल के मुद्दे पर एक बहुत ही राजनीति शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं क्या किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने की कोई साजिश? गवर्नमेंट की तो हमने नहीं चाहिए थे, पंजाब में दोनों भाई मिल कर पानी का मसला अलग कर रहे हैं, गवर्नमेंट घरेलू मसला है, दोनों भाई भाई का मसला है, वो घर में अपना खुद का मसला खुद हल करेंगे, लेकिन जब पानी को तभी चाहिए ना जब जमीन बचेगी, जब ये जमीन छीन लेंगे तो तब पानी को घर पर डालेंगे, ऐसा बात है। जो जैसा कि आज हमने किसानों से करीब रात के 11 बजे बातचीत की है, इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम भारत देश की जनता तक एक सच्चाई पहुंचा सके, सच्चाई किसान आंदोलन की सच्चाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, किसानों तक हर जरूरी चीज पहुंच रही है, किसान पीछे नहीं हटेंगे, इनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।